हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फिर से मैं एक न्यू स्टोरी के साथ आ गई हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेन कैरेक्टर और उसके बॉडीगार्ड के बीच में होता है। ये इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके वापस आइएगा। तो ये इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यहाँ से स्टार्ट होती है। सांजो फैमिली नोबल रिच फैमिली है। सांजो एम्पायर बहुत ही पुराने ज़माने की बिल्डिंग है। ये है हमारी मेन कैरेक्टर मिया का, जो कि प्रिंसेस है, जिसकी वेडिंग हो रही है। इसकी वेडिंग में 2000 लोग आए हैं। मिया का की शादी कोयू से हो रही है, जो कि एक सेल्समैन है जो बिजनेस ट्रिप पे गया है, इसलिए वो अब तक वेडिंग में आया नहीं है। तभी बाहर से पता चलता है कि एक एम्प्लॉय नाइफ लेकर वेडिंग में घूम रहा है। मिया का और उसकी फैमिली जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उस एम्प्लॉय ने एक गेस्ट के नेक पर नाइफ रखकर कह रहा है कि मैं इस वेडिंग को खराब कर दूंगा। तो मिया का कहती है कि उन्हें जाने दो, वो मेरी वेडिंग में आए हैं। तुम्हारी दुश्मनी सांजो फैमिली से है तो मुझ पर निकालो। वो एम्प्लॉय उस लेडी को धक्का देकर मिया का के पास आने लगता है। तभी मिया का अपने वेडिंग ड्रेस से उस एम्प्लॉय को नीचे गिरा देती है और कहती है कि थोड़ी बहुत तो सेल्फ डिफेंस मैंने भी सीखी है। लेकिन वो एम्प्लॉय मियाका को धक्का देकर फिर से नाइफ लेने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोयू आता है। उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम्हारे हाथ काट दूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए थी। लेकिन तभी वहाँ पर मियाका के ग्रैंडफादर आकर कहते हैं कि इस एम्प्लॉय को मैंने जॉब से निकाला क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे बेईमान इंसान के लिए सांजो में जगह नहीं है, ले जाओ इसे। कोयू मियाकी को उठने में मदद करता है। उससे पूछता है कि तुम्हें लगी तो नहीं ठीक हो? मियाकी कहती है कि मुझे नहीं लगी। कोयू उसे गले लगा लेता है। सारे गेस्ट उन दोनों को देखकर कहते हैं कि देखो, दोनों डिफरेंट क्लास के होते हुए भी कितना प्योर लव है। और मियाकी सोच रही होती है कि ये है कोयू, जब से मैं 10 साल की थी ये मेरा बॉडीगार्ड है और आज मैं इससे शादी करने जा रही हूँ। और फिर हमें फ्लैशबैक बताते हैं, कुछ मंथ पहले का बताते हैं कि मियाका के पेरेंट्स उससे फोटो बताते हुए कहते हैं कि इनमें से कोई चूज कर लो और शादी कर लो। मियाका कहती है कि हाई स्कूल के बाद शादी कौन करता है, और आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी जाने दोगे। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ, तुम यूनिवर्सिटी जाओ, उसके साथ हाउसवाइफ भी बन जाओ। और मियाका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो अरेंज मैरिज करे, इसलिए मजबूरी में वो बॉडीगार्ड के पास जाती है। उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनते ही बॉडीगार्ड कहता है कि मैं तुमसे कैसे शादी करूं, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। मियाका कहती है कि ये बस पेपर पे होगा, तुम फ्री होगे, तुम अफेयर कर सकते हो, कोई भी लेडी के साथ प्यार कर सकते हो, बस ये नाम का रिश्ता होगा। फिर प्रेजेंट का बताते हैं। मियाका कोयू से कहती है कि तुम ये तलवार लेकर क्यों घूम रहे हो? तो कोयू कहता है कि आवाज़ सुनते ही मैं उसे डराने के लिए ये तलवार लेकर आ गया। फिर उसके करीब आकर उसका चेहरा थामते हुए कहता है, लेकिन उसने तुम्हें हर्ट कर दिया, उसके तो हाथ काट देने चाहिए थे। मियाका उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी गलती थी। कोयू कहता है कि नहीं, उसने उस इंसान को हर्ट किया जिसे मैं प्यार करता हूँ। ये सुनते ही मियाका हैरान होकर कहती है कि ये क्या कह रहे हो, तुम से प्यार करते हो? कोयू स्माइल करके कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पकड़ा ना जाओ। और फिर उसे कहता है कि अगर तुम्हें प्यार होगा तो बस मुझसे होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। शादी के बाद बताते हैं कि कोयू जब घर आता है तो मियाकी उसे वेलकम कह के गुड नाइट कहती है, और खुशी से कहती है कि मैं क्रीम लगाने जा रही हूँ ताकि मेरी स्किन अच्छी हो जाए, कोई मुझसे प्यार करने लगे। कोयू उसे जाते हुए देख रहा होता है। थोड़े ही दिनों बाद मियाकी बोर होने लगती है क्योंकि उसके पास ना स्कूल है ना स्टडी। तभी उसकी फ्रेंड मोरी का कॉल आता है। वो कहती है कि मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? तो मियाकी कहती है कि बहुत ही बोरिंग। तो मोरी कहती है कि अगर बोर हो रही हो तो फन करने वेलकम पार्टी में क्यों नहीं आ जाती? ये सुनते ही मियाकी कहती है कि मैं ज़रूर वेलकम पार्टी में आऊँगी, क्योंकि अब अफेयर करने का टाइम आ गया है। फिर वेलकम पार्टी का बताते हैं, जहाँ पर बॉयज़ के साथ मियाकी का इंट्रोडक्शन होता है। वो सोचती है कि ये कॉलेज लाइफ है जिसकी मैं ड्रीम करती थी। तभी उसकी फ्रेंड मोरी उसे बताती है कि जो पीछे लड़का बैठा है उसने उसे कन्फेस किया है, लेकिन अब तक उसने रिप्लाई नहीं दिया, शायद ये मेरा पहला बॉयफ्रेंड होगा। मियाकी उसके लिए खुश होती है।
मियाँ की जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो सोच रही होती है कि सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, काश मुझे भी किसी से प्यार हो जाए। तभी वो देखती है कि वही लड़का उसका वेट कर रहा होता है। वो लड़का कहता है कि मियाँ की क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। मियाँ की सॉरी कहती है और कहती है कि मैंने तो सुना है तुम मेरी फ्रेंड को कन्फेस किए थे। तो वो कहता है कि अच्छा वो अलग बात है, लेकिन जब तुमसे बात करी तो मुझे लगा तुम मेरे टाइप की हो। तुम फिकर मत करो, मैं सीरियस हूँ। मियाँ की कहती है कि तुम केयरलेसली कैसे किसी से प्यार कर सकते हो, जब तुम्हें फ्रीडम मिली है तो सीरियसली प्यार करो। और दिल में सोचती है कि जब मुझे फ्रीडम मिलेगी तो मैं बहुत ही सीरियसली प्यार करूँगी और ये एक ही बस मेरी विश है। तभी वो लड़का कहता है कि तुम कितनी बोर लड़की हो और वहाँ से चले जाता है। मियाँ की सोच में खड़ी होती है तभी दूसरा लड़का आके कहता है कि क्या तुम ठीक हो और उसे घर ड्रॉप करने के लिए साथ चल रहा होता है। वो लड़का कहता है कि सॉरी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, लेकिन तुमने सही किया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद कोयू उन दोनों का वेट कर रहा होता है। वो लड़का कोयू को देखते ही कहता है कि मैं मियाँ की को साथ लेकर आ गया। ये सुनते ही मियाँ की कोयू से कहती है कि तुमने भेजा था। कोयू कहता है कि तुम प्रिंसेस हो, मैं पार्टी में नहीं आया था, कोई तो होना चाहिए था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मियाँ की गुस्से से चलने लगती है तो कोयू कहता है वैसे तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो, कोई भी केयरलेसली प्यार नहीं कर सकता। मियाँ की कहती है कि तुम क्या जानते हो, तो कोयू कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुम 10 साल की थी। फिर पास्ट का बताते हैं, जब मियाँ की 10 साल की थी कोयू उसे किडनैप कर रहा था तो कोयू ने ही उसे बचाया था, फिर भी मियाँ की नहीं डरी थी। फिर प्रेजेंट में बताते हैं कोयू कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम डरती नहीं हो, तुम सच्ची हो, तुम सही बात पर चलती हो, तुम स्टूपिड भी हो, और तुम्हें अगर किसी से प्यार करना है तो मुझसे करो क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हें अच्छे से समझता हूँ। आगे बताते हैं कि कोयू मियाँ की से कहता है कि वेडिंग रिंग लेने चलते हैं। मियाँ की कहती है कि मुझे नहीं चाहिए वेडिंग रिंग क्योंकि ये फेक मैरिज है। कोयू कहता है कि चेयरमैन के साथ डिनर है, सब लोग शक करेंगे अगर तुम्हारे हाथ में रिंग नहीं होगी तो। मियाँ की कहती है कि मैं हमेशा नहीं पहनने वाली क्योंकि मुझे अफेयर करना है। कोयू कहता है हाँ समझ गया। फिर कोयू और मियाँ की वेडिंग रिंग लेने आते हैं, जहाँ पर कोयू मियाकी के लिए रिंग सेलेक्ट करता है जो उसे परफेक्ट आती है। मियाकी मन में सोचती है कि ये खुद को क्या समझता है जिसे मेरे बारे में सब जानता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम होता है मायोमी, जो स्टोर की मैनेजर भी होती है और कोयू की कॉलेज फ्रेंड और सीनियर भी होती है। वो तीनों बैठ कर बातें करने लग जाते हैं। तभी कोयू को चेयरमैन का कॉल आता है तो वो कॉल अटेंड करने वहाँ से चले जाता है। मियामी मियाकी से पूछती है कि कोयू ने प्रपोज कैसे किया था। मियाकी थोड़ा सोच कर स्टोरी बनाते हुए कहती है कि रोज बुके दिया और कहा विल यू मैरी मी। मियामी कहती है क्या सच में कोयू ने ऐसे किया था। मियाकी कहती है कि जब उसने आई लव यू कहा तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। मियामी कहती है कि कोयू तो कूल है, वैसे उसके बैक का तिल सेक्सी है। मियाकी दिल में सोचती है कि क्या इन दोनों के वैसे रिलेशन है। तभी कोयू वापस आता है तो मियाकी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और जाकर छुप के दोनों को देखने लगती है। फिर खुश होकर खुद से ही कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी चांस मिलेगा, चलो जल्दी अफेयर करो, अब कोयू मुझे आई लाइक यू कहना बंद करो और मुझे भी अफेयर करने दो। मियामी कोयू से पूछती है क्या सच में तुमने रेड रोसेस के साथ प्रपोज किया। कोयू कहता है क्या, फिर समझ जाता है कि मियाकी ने कोई स्टोरी बनाई होगी। मियामी की नज़र मियाकी पर पड़ती है तो मियामी कोयू से कहती है कि मुझे वेडिंग गिफ्ट देनी है और उठकर कोयू के लिप्स पर किस करती है। मियाकी की हंसी एकदम चली जाती है। कोयू कहता है कि हमेशा की तरह फोर्सफुल किस। मियामी कहती है कि स्पेशल गिफ्ट है, तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए। घर आकर मियाकी रिंग को देखते हुए सोचने लगती है कि वो लेट है, शायद मियामी के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसने किस किया, कोयू ने माइंड भी नहीं किया, चलो प्लान चल पड़ा। कोयू आते ही कहता है कि तुम पहले आ गई, बताना चाहिए था ना। मियाकी कहती है कि तुम्हारा अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था, अफेयर चल रहा था। कोयू उसके पास आकर कहता है कि तुम सीरियस हो, मैं तुमको लाइक करता हूँ, दूसरे वुमेन के साथ टाइम स्पेंड करूँगा।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे ही प्यार करना है। मियाँ की रिंग फेंकते हुए कहती है कि मुझे लाइक करते हो ये बोलना बंद करो। तुमने उसको किस किया? मुझे तुम वैसे पसंद नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड बनकर रहो। कोयू वो रिंग उठाकर कहता है कि ठीक है ये रिंग वापस कर दो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर रहूंगा। मियाँ की रिंग वापस करने जाती है शॉप पर तो मियामी कहती है कि कल के किस की वजह से, राइट, तुमने देख लिया है ना? मियाकी कहती है कि नहीं ऐसे कुछ नहीं है। मियामी कहती है कि कोयू किसी को कभी अपने दिल तक पहुंचने नहीं दिया, कितने वुमेन उसके पीछे थी पर उसने किसी को देखा भी नहीं, उनमें से मैं भी एक हूँ। फिर कहती है कि लेकिन तुम्हारे रिंग के लिए वो सीरियस था, इसका मतलब ये गर्ल स्पेशल है। कल की किस कोयू के लिए कोई मतलब नहीं रखती, तुम बस एक हो जिसको वो देखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कोयू ऑफिस जा रहा होता है तो मियाकी उसका बैग देने बाहर आती है तो कोयू उसके हाथ की रिंग देख लेता है। मियाकी कहती है बस पब्लिक के लिए, और मन में सोचती है कि मैं जिसको भी प्यार करूंगी वो कोयू नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसके फीलिंग को हर्ट करो। और मियाकी कोयू को सॉरी कहती है, फिर कहती है कि जैसे हो वैसे ही रहो। कोयू उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि ग्रेट जॉब माई वाइफ, और कहता है कि स्माइल करो लोग देख रहे हैं।